नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन. आप सब बच्चों ने नाइन्थ में फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था 1789. एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रटर्निटी जैसे स्लोगन्स को बहुत पॉपुलराइज किया, और उसके बाद यूरोप ही नहीं, यूरोप की अलग अलग कंट्रीज में भी इस रेवोल्यूशन के जो आइडियाज हैं स्प्रेड हुए. रशिया में रेवोल्यूशन आया, अलग अलग कंट्रीज में रेवोल्यूशन प्लान किया गया, और कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मोनार्की जो है वो धीरे धीरे डाउन होती गई. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने करवाया था कि विच रेवोल्यूशन प्रेजेंट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. लेकिन वन मार्क के लिए फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद विच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन. ये आपके एमसीक्यूज में भी था ना. फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद फ्रेंच रेवोल्यूशन. कल मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है. वन मार्क क्वेश्चन. प्लेबिसाइट का मतलब होता है डायरेक्ट वोट, जिसमें लोगों से पूछा जाता है यस और नो, मतलब कि वो किस गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं. इलेक्शंस मींस वोट, या किसी भी तरह से जिसमें लोगों की पब्लिक ओपिनियन को वेटेज दी जाती है. प्लेबिसाइट का मतलब एक ऐसी कंट्री जहां पे लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं और पब्लिक ओपिनियन को वेट दिया जाता है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया, प्लेबिसाइट. तो ये अर्नेस्ट रेने ने ये वर्ड दिया था प्लेबिसाइट, जिसमें कि एक कंट्री, एक नेशन तभी बन सकती है जब लोगों को वोटिंग राइट्स मिले. नेक्स्ट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफर सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू फिलिप. क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन ट्रांसफर सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू, यानी कि ये ध्यान से लिखना क्योंकि ये लाइन लाइन बेस्ड क्वेश्चन है. लाइन बेस्ड का मतलब जो लाइन होती है ना उसमें से फिलअप है ये. यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसके कारण सॉवरेनिटी जो थी, सॉवरेनिटी का मतलब होता है पहले लुई 16 के हाथ में थी, मोनार्की के हाथ में थी, अब ये किसके हाथ में आ गई? वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बतानी, पावर किसके हाथ में आई? पहले रूलर के पास थी, अब किसके पास आई? वेरी गुड, फ्रेंच सिटीजंस. ये लाइन बेस है. लाइन बेस क्वेश्चन का मतलब होता है आपकी बुक में एक लाइन है, उस लाइन से फिलअप टाइप लिया गया है, ठीक है. फ्रेंच सिटीजंस लाइन बेस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर लाइन दी होगी, उसमें कोई भी वर्ड आपको फिलअप के बेस पे आ सकता है एमसीक्यू. ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजंस, यानी कि पहले पावर्स किंग के हाथ में थी, नाउ पावर्स मतलब फ्रेंच सिटीजंस के हाथ में आई, क्योंकि उनको राइट टू वोट मिला. आपको याद होगा एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजंस को राइट टू वोट मिला था जिनकी एज कितनी थी, 25 एंड अबव, ठीक है. नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स इन फ्रांस आफ्टर डायरेक्टरी रूल? नेपोलियन बोनापार्ट. जो आंसर्स आपको आते हैं ना उनको लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है. हु इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किसने इंट्रोड्यूस किए? नेपोलियन बोनापार्ट. हु इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर डायरेक्टरी रूल? फ्रेंड, इसमें आपने बताना है नेपोलियन बोनापार्ट. ओके, अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच सिटीजंस? हु इंट्रोड्यूस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच सिटीजंस? कौन कौन से चेंजेस लेकर आए थे ये रेवोल्यूशनरीज? आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज. ये क्वेश्चन भी आपको बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज दे ब्रॉट मैनी चेंजेस टू इंट्रोड्यूस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. हु इंट्रोड्यूस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल, आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ पैट्री? वेरी गुड, फादर लैंड. इससे पहले ना मोनार्की सिस्टम में कोई पर्सन जो है प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता, स्पेशली थर्ड स्टेट. लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लॉ पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड का मतलब होता है जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपनी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है फादरलैंड.
देन एक और कंसेप्ट था इस पर्टिकुलर टाइम पर में बहुत फेमस हुआ, ली सिटोयन। सिटीजन वर्ड ही इससे बना है, सिटोयन से, तो इसको क्या कहते हैं, सिटीजन। कौन होते हैं सिटीजन्स? पीपल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, जिनको राइट टू वोट मिलता है। देन विच फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड विद रॉयल स्टैंडर्ड? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के जो चेंजेस वाला पैराग्राफ है ना, उसमें से है। यस, ट्राई कलर फ्लैग। पहले रॉयल फ्लैग था, यानी कि लुई 16 की फैमिली का फ्लैग था, लेकिन जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तो 1789 के बाद इस फ्लैग को चेंज करके कंट्री का नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग। हाँ जी, विच फ्लैग वॉज रिप्लेस्ड विद रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग? रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब है लुई 16 की फैमिली का जो फ्लैग था, जो फैमिली को रिप्रेजेंट करता था, उसको चेंज करके फ्रांस की कंट्री के लिए नया फ्लैग जो है इंट्रोड्यूस किया गया। किनके एफर्ट के कारण? फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के कारण। विच पॉलिटिकल बॉडी वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली? एस्टेट जनरल। पहले उसका नाम एस्टेट जनरल था, आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा था एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी, 300 + 300 + 600। विच पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस वॉज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली? एस्टेट जनरल। नेशनल असेंबली बनाई थी ना बच्चे, टेनिस कोर्ट ओथ जब हुई थी, व्हेन पीपल दे वॉक आउट फ्रॉम पैलेस ऑफ वर्साय, तो उस टाइम किसकी मीटिंग हुई थी? मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल, यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी थी उसका नाम पहले एस्टेट जनरल था, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं था, वो पपेट थी, क्योंकि उसमें जो भी वोटिंग क्राइटेरिया था वो किंग के अगेंस्ट था। बट दिस टाइम व्हेन द पीपल दे अटेंडेड मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल, वोटिंग क्राइटेरिया दे वॉन्ट टू चेंज, बट किंग रिजेक्टेड द प्रपोजल, सो दैट्स वाई दे वॉक आउट द असेंबली। टेनिस कोर्ट ओथ में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? नेशनल असेंबली। ठीक है, ये सारा 9th का ही है जो इसमें आपके एक पैराग्राफ में कंटिन्यू किया। विच लैंग्वेज बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ फ्रांस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच। ये बहुत इजी है ना। विच लैंग्वेज बिकेम कॉमन? पहले रीजनल डायलेक्ट लैंग्वेज थी। डायलेक्ट का मतलब होता है जैसे इंडिया में डायलेक्ट मतलब पंजाबी, गुजराती, मराठी, लेकिन फ्रांस में 1789 के बाद फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज टू कॉम्युनिकेट। जिससे क्या होता है, जब कॉमन लैंग्वेज होती है तो कंट्री में यूनिटी और नेशनलिज्म की स्पिरिट और बढ़ती है। अब आ जाइए नेपोलियन बोनापार्ट का जो पार्ट है उसमें। नेपोलियन बोनापार्ट की जो फ्रेंच आर्मी थी 1804 से लेकर बैटल ऑफ वाटरलू तक, ही कीप ऑन सेंडिंग हिज आर्मी टू डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट टेरिटरीज। तो उनमें से आपकी बुक में कुछ कंट्रीज के नेम है, कुछ सिटीज के नेम है, तो ये दो तरह से क्वेश्चन पहले प्रिपेयर करो। नेपोलियन बोनापार्ट सेंट हिज आर्मीज टू विच नेबरिंग सिटीज? अगर तो नेबरिंग सिटीज का मतलब होता है कि फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज की सिटीज का नाम बताना। सपोज मैंने आपको ये बोला कि आप कोई भी पाकिस्तान की किसी फेमस सिटी का नाम बताओ, लाइक इस्लामाबाद, कंट्री का नाम है तो पाकिस्तान, ऐसे ही आपको सिटी और कंट्री का नाम अलग अलग याद रखना। फ्रेंच आर्मी जो थी नेपोलियन बोनापार्ट के ऑर्डर पे फ्रांस के बाहर कौन कौन सी सिटीज में गई, कौन कौन सी कंट्रीज में अटैक करने के लिए गई, तो दो तीन कंट्रीज के नेम, दो तीन सिटीज के नेम आपकी बुक में है, उनको याद करो। फ्रेंच आर्मीज इनटू विच सिटीज अगर सिटीज का नाम लिखना है, अगर कंट्री का नाम आएगा तो कंट्री का नाम लिखना। इनटू विच सिटीज फ्रेंच आर्मी मूव ऑन द ऑर्डर ऑफ बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। सिटीज के नाम लिखो पहले। सिटीज में आएगा नाम वारसा, WARSAW, मिलान्स, वारसा, मिलान्स, कंट्री का नाम, अगर कंट्री का नाम आएगा तो लिखो हॉलैंड, HOLLAND, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, बेल्जियम,
बेल्जियम, एक और सिटी का नाम लिखो, मेंस, वार्सा, मिलान, मेंस, ये सिटीज के नेम है। मिलान और मेंस है इटली में, वार्सा जो है दैट इज इन जर्मनी, ब्रसल बेल्जियम, ब्रसल का नहीं, कंट्री का नाम बेल्जियम, ब्रसल भी लिख सकते हो अगर आ सकता है, क्योंकि बेल्जियम है तो ब्रसल भी, ब्रसल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। दो तीन कंट्रीज के नेम याद रख लो। कंट्रीज में आ गया हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, और अगर सिटी की बात आता है तो मिलान, मेंस एंड वार्सा। एमसीक्यूज में ध्यान रखना इसको, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट इज 1804, इंपॉर्टेंट ईयर जो है, नेपोलियन कोड, इसको नेपोलियन कोड कहा जाता है, ठीक है? एंड नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत से इसमें रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे, वो आपको पता होने चाहिए रिफॉर्म्स क्या थे, ठीक है? वेटिंग करेंसी और ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, फ्यूडलिज्म को अबॉलिश कर दिया, ठीक है? और इसके अलावा जो है उसने फार्मर्स, बिजनेसमैन के ऊपर जो भी गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव कर दिया। तो दे वर वेरी हैप्पी, ऑल वर वेरी हैप्पी, बट इन द इनिशियल ईयर्स दे वर हैप्पी, बट द लेटर ऑन नेपोलियन बोनापार्ट वॉज क्रिटिसाइज। क्यों उसको क्रिटिसाइज किया? क्योंकि उसने टैक्सेशन, सेंसरशिप और फोर्स रिक्रूटमेंट कर दी थी। ये मैंने आपको करवाया था लॉन्ग क्वेश्चन के बिहाफ पे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको ईयर याद रखना है 1804, इन विच ईयर नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एज मिलिट्री डिक्टेटर। 1804, द ईयर इन विच नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड हिमसेल्फ एज मिलिट्री डिक्टेटर। और मेन उसका ईयर याद रखो, एक याद रखो, बैटल ऑफ वाटरलू, इन विच ईयर ही वॉज डिफीटेड, 1815, बाय विच कंट्री? ब्रिटेन, BRPA, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, सारी वही कंट्रीज हैं जो ट्रीटी ऑफ वियना वाली कंट्री हैं। इन विच बैटल नेपोलियन बोनापार्ट गॉट डिफीटेड? बैटल ऑफ वाटरलू। और विच वर द विनर, विनर कंट्रीज कौन सी थी? BRPA, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, 1815। एंड इन विच ईयर ही डाइड? 1821। आप ये देखो कि 1815 से लेकर 1821 तक नेपोलियन को एक लोनली आइलैंड में रखा गया था और बाद में उसकी डेथ हो गई थी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो थ्रू आउट हिज लाइफ कैंपेनिंग, मिलिट्री कैंपेनिंग में बिजी रहा, और उसकी लाइफ के एंड के जो 4-5 ईयर्स है उसको अकेला रखा गया एक आइलैंड पे, और बाद में 1821 में उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है? नेक्स्ट, अब आ जाइए नेपोलियन बोनापार्ट के बाद का टाइम पीरियड। इसमें एक आपका टॉपिक है हैब्सबर्ग एम्पायर। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो इसके लिए बहुत सी कंट्रीज हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको याद रखना है, विच एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी? विच एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, कॉल्ड एज पैच वर्क, जिसको पैच वर्क कहते थे? विच एम्पायर रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, कॉल्ड एज पैच वर्क ऑफ डिफरेंट नेशंस? किस एम्पायर को कहते थे? हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर को पैच वर्क कहते थे, क्योंकि इसमें अलग अलग नेश, अलग अलग कल्चर, लैंग्वेजेस, ठीक है? जैसे इंडिया पैच वर्क ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज है, ऐसे ही हैब्सबर्ग एम्पायर। जैसे मुगल डायनेस्टी की बात करो तो मुगल डायनेस्टी में उस टाइम पीरियड में मुस्लिम्स के अलावा हिंदू, सिख, अलग अलग जो है वो रिलीजियस जो है कम्युनिटीज थी। सिमिलरली यूरोप की जब हम बात करें तो यूरोप में कौन सा एम्पायर था जो पैच वर्क कहा जाता था? पैच वर्क का मतलब होता है उसमें अलग अलग कम्युनिटीज के लोग जो है रहते थे। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है लिबरलिज्म। मोनार्की के अगेंस्ट एक नया कंसेप्ट जो है वो आया, दैट वाज लिबरलिज्म। जब लोगों ने लिबर्टी, फ्रीडम की डिमांड की, तो लिबरलिज्म वर्ड कैसे बना? इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन लैंग्वेज। लिबरलिज्म वर्ड जो है वो लैटिन लैंग्वेज लिबर से बना है। लिबर का मतलब होता है फ्री, यानी कि लोग किससे फ्री होना चाहते थे?
मोनार्की से, इसके तीन ब्रांचेस हैं। जब आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन में हम करते थे ना, तो लोग इसका जो है वो तीन तरह से मीनिंग लेते हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म। तो आप उन तीनों को पहले हेडिंग लिखो, उसकी जस्ट आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए शॉर्ट आंसर्स के लिए। लिबरलिज्म का मतलब होता है ये ऐसे लोग थे जो बिजनेसमैन थे या जो नोबिलिटी से बिलोंग नहीं करते थे, एजुकेटेड थे, फिलोसफर्स थे, उनके लिए लिबर्टी क्या थी, वो किस फ्रीडम की डिमांड करते थे अपनी अपनी टेरिटरीज में। नंबर वन, पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब क्या, पॉलिटिकल लिबर्टी या पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या कहता है। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब होता है राइट टू वोट टू ऑल। पॉलिटिकल लिबर्टी मीन्स राइट टू वोट टू ऑल एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट फॉर्म दिए गए ना आपको, कंसेंट फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछा गया यस और नो, तो पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब है कंसेंट, गवर्नमेंट शुड बी कंसेंट बाय ऑल, जिसमें सभी लोग गवर्नमेंट बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब होता है राइट टू वोट टू ऑल एंड गवर्नमेंट विद द कंसेंट ऑफ ऑल। जो गवर्नमेंट बने वो सबकी कंसेंट से बने। लेकिन बहुत सी मोनार्किकल कंट्रीज में यूरोप में ऐसा नहीं था, सो दैट्स व्हाई पीपल दे वर डिमांडिंग पॉलिटिकल लिबर्टी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या कहता है। इकोनॉमिक लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, इसमें आप दो मेन पॉइंट्स लिखोगे। नंबर वन, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जो ट्रेड आइटम्स होती हैं, जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्री सर्विस का मतलब, सर्विस का मतलब ह्यूमंस। सपोज इंडिया से डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंडिया से लॉयर्स आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, तो वो सर्विस होगी, है ना। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एंड सेकेंड इज नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, यानी कि जो लोग बिजनेस, अब ऑटोमेटिकली ये बिजनेसमैन ने डिमांड किया होगा इन्होंने, कि जो ये चाहते थे कि अगर वो किसी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनमें इंटरफेयर ना करे, और अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भेज रहे हैं तो उनके ऊपर ड्यूटीज या टैक्स ज्यादा ना लगा दिया जाए, जिससे कि उनको लॉस हो। फ्रीडम का मतलब यहाँ पे मतलब है कि दे शुड बी फ्रीडम, दे शुड बी गिवन अ फ्रीडम टू ट्रेड, राइट टू ट्रेड उनको मिलना चाहिए, कि वो किस कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस ना हो। देन नेक्स्ट इज सोशल लिबरलिज्म। सोशल लिबरलिज्म, सोशल लिबरलिज्म कहता है फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब है ये लोग मानते थे कि सबके लिए क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी, इक्वालिटी टू ऑल। दीज जो लोग सोशल लिबरलिज्म लेकर आ रहे थे, प्रमोटर थे इसके, उनका ये मानना था कि सोसाइटी में ऑल शुड बी गिवन इक्वल ट्रीटमेंट एंड इंडिविजुअल जो है उनको फ्रीडम राइट्स दिए जाएं, जो लोग हैं उनको राइट्स मिले, पीपल और इंडिविजुअल शुड बी गिवन सम राइट्स, जो कि मोनार्किकल कंट्रीज में नहीं दिए गए थे। सोशल लिबरलिज्म क्या कहता है, इक्वालिटी टू ऑल एंड फ्रीडम शुड बी गिवन टू इंडिविजुअल्स, या फ्रीडम राइट्स जो है उनको मिले। मैन और वुमेन के बीच में जो डिफरेंस है, रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, उसको रिड्यूस किया जाए। तो दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट जो था दैट बिकेम वेरी पॉपुलर, और इसको कहा गया लिबरल नेशनलिज्म। यानी कि जो लोग इन तीनों की आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, वो मानते थे कि कंट्रीज में मोनार्की सिस्टम को रिप्लेस करके आगे से आगे डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर आए। इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक यूनियन बनी, उस यूनियन का नाम क्या था, जॉल वेरन। जॉल वेरन, कस्टम यूनियन, और कौन से ईयर में बनी, 1834। इस यूनियन को बनाने के पीछे मोटिव क्या था, कस्टम यूनियन 1834 जिसको जॉल वेरन कहा गया, इसको बनाने के पीछे मोटिव क्या था। जैसे आप बच्चे इमेजिन करो कि हम इंडिया में रहते हैं, और इंडिया में जो बिजनेसमैन है वो रहता है सपोज पंजाब में, और उसने गुजरात, तमिलनाडु, केरला, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जगह जगह हर स्टेट में बिजनेस करता है। अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब वो अपना सामान या अपनी ट्रेडिंग आइटम्स लेकर जाएगा, करेंसी भी चेंज हो और वेटिंग मेजर्स भी चेंज हो,
तो सबसे तो प्रॉब्लम किसको आएगी? बिजनेसमैन. सो एट दैट टाइम इन मैनी कंट्रीज मैनी बिजनेसमैन दे डिमांडेड दिस काइंड ऑफ करेंसी सिस्टम शुड बी चेंज. वेटिंग सिस्टम जो है वो इट शुड बी इक्वल, ताकि ट्रेडिंग में इंटरनेशनल एक्सचेंज जो होता है उसमें किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना आए. और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिशिएटिव लिया दैट वॉज टेकन बाय प्रशिया. प्रशिया ने मिलकर इस जॉलवेरियन यूनियन को बनाया और बहुत सी जर्मन कंट्रीज, जर्मन कन्फेडरेशन, यानी कि दो कंट्रीज का नेम अब याद रखो कि किनके इनिशिएटिव से बना, प्रशिया नंबर वन एंड जर्मन, जर्मन कन्फेडरेशन कह लो या जर्मन कंट्रीज कह लो, विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड जर्मन कंट्रीज. अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखो ईयर, ये जॉलवेरियन कौन से ईयर में बना? 1834. प्रॉब्लम क्या थी? एक कंट्री से दूसरे, एक एरिया, कंट्री की बात ना करें, एक एरिया की ही बात करें, एक एरिया से दूसरे एरिया जाने में ही क्लोथ की जो मेजरमेंट है वो चेंज हो जाती थी और करेंसी चेंज हो जाती थी. तो उसको रिड्यूस करने के लिए इन कंट्रीज ने मिलकर आपस में ग्रुप बनाया. पहले टोटल डिसाइड किया गया कि उन सभी कंट्रीज में टोटल कितनी करेंसीज थी, 30. टोटल उन जो पार्ट्स थे प्रशिया और जर्मनी की जो स्टेट्स थी उनके टोटल पार्ट्स को ऐड किया गया, टोटल 30 करेंसीज थी. तो इन 30 करेंसीज को अबॉलिश करके इनमें से दो कॉमन करेंसीज ले ली गई, टू करेंसीज. इसका मतलब क्या है? जॉलवेरियन का रिजल्ट क्या था? 30 करेंसीज वर रिड्यूस टू 2, यानी कि टोटल उस एरिया की 30 करेंसीज अलग अलग एरियाज की अलग अलग थी, बाद में उनको एबॉलिश कर दिया गया, उनमें से दो कॉमन करेंसीज ले ली गई और ये डिसाइड करने का राइट उस पर्टिकुलर एरिया को दे दिया गया कि उन दो में से उन्होंने कौन सी करेंसी लेनी. जैसे पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग करेंसी हो तो बाद में इसको डिलीट कर दें और पूरे इंडिया के लिए दो कॉमन करेंसी हो जाए, ये स्टेट्स पे छोड़ दिया जाए कि कौन सी स्टेट कौन सी करेंसी लेना चाहती है, उन दोनों में से ऑप्शन दे दिया जाए. तो इसके बाद काफी हद तक उन एरियाज के बीच में इकोनॉमिक एक्सचेंज जो है वो बहुत ज्यादा हुआ, बिजनेस, रेलवे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो कंट्रीज आपस में पहले या जो एरियाज आपस में ट्रेडिंग नहीं करते थे उनके बीच में अब ट्रेडिंग जो है वो होने लगी. तो दिस इज द आल्सो द सक्सेस ऑफ लिबरलिज्म, ये भी लिबरलिज्म का एक सक्सेस जो था. ठीक है, नेक्स्ट है इसके अगेंस्ट. अब ये तो था लिबरलिज्म, जो लोग फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे, लेकिन एक और ग्रुप था जो मनार्की सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था. तो दैट ग्रुप वाज कंजर्वेटिव्स. तो ये दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हु वर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स या व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ कंजर्वेटिज्म. हु वर कॉल्ड कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं या व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिव्स जो लोग होते हैं, आप ये सोचो कि ये वो लोग होंगे जो किंग, नॉबल्स और उनकी फैमिलीज और उनके रूल को सपोर्ट करते हैं उस टाइम पीरियड में जब लोग मोनार्की के अगेंस्ट जो हैं वो जा रहे थे. लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यूरोप में एक ऐसा भी ग्रुप था जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहा था. इट मींस कंजर्वेटिव्स वर द पीपल हु बिलीव्ड इन ओल्ड ट्रेडिशंस, चर्च एंड ओल्ड कस्टम्स एंड दे फेवर्ड मोनार्की सिस्टम. वो मोनार्की को फेवर कर रहे थे, इसीलिए ट्रीटी ऑफ वियना में ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन चारों में मोनार्की सिस्टम था और इन्होंने फ्रांस में कौन सी डायनेस्टी ले आए? बॉर्बन डायनेस्टी, मोनार्की को वापस ले आए. ठीक है, तो ये चारों कंट्रीज क्या थी, क्या थी ये कंट्रीज? कंजर्वेटिव्स. क्या चीज?